नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों IBPS बैंक PO और क्लर्क का बम्पर भर्ती आ चुका है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों A to Z सरल भाषा में जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 8106 पोस्ट पर वैकेंसी, अच्छा खासा पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो 7 जून से लेकर 27 जून तक होने वाला है। पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, 20 तक बाद में सर्वर स्लो हो जाता है दोस्तों, तो दिक्कत होने लगता है। फी की बात करें, जनरल OBC है तो ₹850 लगता है, बाकी SC ST और PH कैंडिडेट का मात्र 175 ₹175 लगेंगे। ठीक है, एग्जाम प्री का एग्जाम का डेट ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन है, अगस्त 2022 में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, प्री का, और जो जो फेज टू होगा जिसको मेंस भी बोल सकते हैं हम, सितंबर अक्टूबर 2022 में एग्जाम लिया जाएगा। एज ध्यान से समझिएगा, एज में बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। 1 जून 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए 18 से 28 साल एज आपका होना चाहिए। देखिए, ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 का बात करें तो 21 से 40 साल, और दोस्तों अदर पोस्ट है ना उसमें 21 से 32 साल तक पोस्ट सर आपका उम्र होने वाला है। तो ये सब बहुत सारा देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, सारा कुछ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कहीं कन्फ्यूजन है इसके बारे में तो देखिएगा। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 4483 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पास है, बस पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ऑफिस स्केल 1 की बात करें, ऑफिसर स्केल 1 की दोस्तों तो 2676 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें भी किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पास हैं, भारत के किसी भी जगह के रहने वाले, किसी भी राज्य के, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए ऑफिसर स्केल 2, देखिए यहाँ पर दोस्तों बैंकिंग ऑफिसर की बात करें, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, तो 745 पर वैकेंसी है, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, और 2 साल की इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो ये पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट है, आप देख लीजिए मोबाइल की स्क्रीन में, मैं बताता हूँ। तो इसके अलावा अगर पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर का 57 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस में मांग रहे हैं, 50% मार्क, 1 साल के एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस सेक्स आपका स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो 19 पोस्ट है, यहाँ पर CA पास आपका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, ऑफिस स्केल 2 का दोस्तों यहाँ पर लो ऑफिसर के 18 पोस्ट है, यहाँ पर LLB आप पास है, बैचलर डिग्री LLB से किए हुए हैं, 50% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 का 10 पोस्ट है, यहाँ पर डिग्री मांग रहा है CA का या MBA फाइनेंस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए मार्केटिंग ऑफिसर से स्केल 2 का 6 पोस्ट है, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं क्या मांग रहा है आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर का यहाँ पर 12 पोस्ट है, यहाँ पर ऑफिसर स्केल का 80 पोस्ट है, इसमें दोस्तों बैचलर डिग्री मांग रहा है, किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री है, 50% मार्क्स है और 5 साल का आपका पोस्ट का एक्सपीरियंस है, तभी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देख लिया। देखिए इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा, क्लर्क और PO का। क्लर्क में दोस्तों प्री और डायरेक्ट मेंस आपका एग्जाम होगा, PO में दोस्तों क्या होता है, प्री मेंस तो होता ही है और इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू भी एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है PO में, लेकिन क्लर्क में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सैलरी अलग अलग है। IBPS प्री क्लर्क की सैलरी की बात करें तो दोस्तों 15,000 से लेकर 20,000, हालांकि 15,000 नहीं मिलता, 20,000 प्लस ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए RRB PO की बात करें दोस्तों 29,000 से लेकर 33,000, तो अच्छा खासा सैलरी। और बैंकिंग में ये होता है ना, लोन अगर आप लेते हैं ना दोस्तों, तो उस पर आपका इंटरेस्ट नहीं लगता है, सबसे बेनिफिट तो ये होता है। कार लोन, होम लोन जो भी ले लीजिए ना, घर बनवाइए, इंटरेस्ट थोड़ी देना है, आपका सैलरी से कटा जाएगा, इंटरेस्ट नहीं देना होता है। ठीक है, ऑफिसर कलर 2 का बात करें 33 से 39,000 है, अलग अलग पोस्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर सैलरी भी है। सिलेबस समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस है ऑफिसर असिस्टेंट प्री की अगर बात करें दोस्तों। ठीक है, प्री के सिलेबस में सबसे पहले 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स का, 45 मिनट का समय मिलेगा, रीजनिंग से 40 और मैथ से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग और मैथ से कितना 40 क्वेश्चन, क्लियर है। देखिए ऑफिसर स्केल 1 प्री के दोस्तों बात करें तो सेम एस ऑफिसर असिस्टेंट का, दोनों का मतलब सेम ही होने वाला है। देखिए ऑफिसर असिस्टेंट मेंस की अगर बात करें तो ये ध्यान समझना आपके लिए जरूरी है, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स, 2 घंटे इसके समय आपको मिलेगा, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मैथ से भी दोस्तों 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों आपका मेंस का सिलेबस होने, प्री का सिलेबस दोनों का सेम है, मेंस का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 मेंस का दोस्तों सेम होने वाला है जैसे कि ये वाला सिलेबस है। तो सिलेबस दोस्तों आपने देख लिया, सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत और दूसरे भी पोस्ट का सिलेबस है, तो उसको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर बता देता हूँ।
दोस्तों ये सिलेबस है, यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का मल्टीपर्पज़ प्री का हमने आपको बोर्ड पर बता दिया है, और दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट प्री वन का, ठीक है, ये भी आपको बोर्ड पर हमने बता दिया है, और मेंस का भी हमने आपको यहाँ पर दोनों का बता दिया है कि ये वाला जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ मेंस का एग्जाम का होने वाला है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, तमाम हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और दोस्तों ये भी हमने आपको बता दिया, ये वाला भी, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो अदर पोस्ट पर आपका सिलेबस है ना वो दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफिस स्केल 2 का जनरल बैंकिंग ऑफिसर की बात करें ना, तो यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं, तमाम सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि दोस्तों रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये तमाम 40 40 40 40 नंबर का है, ठीक है। तो ये टोटल 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग सिलेबस आप देख सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये सिलेबस होने वाला था, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बताने से समय, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों आपने वो भी देख लिया, तो यही दोस्तों आपको बताना। तो अब सवाल उठता है कि तैयारी कैसे करनी है इसकी, कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े। दोस्तों इसकी तैयारी करने के लिए आपको किरण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ये दोस्तों जो बुक देख रहे हैं ना आप, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का बुक होने वाला है। लेवल वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तमाम बैंक से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम हुए ना, सारा का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके साथ में दोस्तों अगर हम बात करें किरण पब्लिकेशन का ही, दोस्तों बैंक पीओ रीजनिंग का बुक आता है, देखिए ये सॉल्व पेपर होने वाला है दोस्तों। 1999 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सारा का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 10,900 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे रीजनिंग का सॉल्व पेपर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों किरण पब्लिकेशन कहीं बैंक पीओ का दोस्तों ये मैथ का भी बुक आता है। 1999 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए ना, सारा का दोस्तों सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। 9300 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। बैंक से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम हुए ना, दोस्तों एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर पीओ हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, आईबीपीएस पीओ, एमटीएस सीओ, क्लर्क वगैरह, सारा का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बुक आप ले लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी खरीद सकते हैं, और ऑफलाइन जाकर आपका नज़दीकी दुकान से भी खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग सभी कुछ आपने देख लिया, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। हम दोस्तों कोई भी सरकारी जॉब आता है, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी तमाम प्रकार के एग्जाम का दोस्तों लेटेस्ट जो वैकेंसी आती है, सारा का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से क्वेश्चन रहता है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचाने का, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।